हेलो स्टूडेंट्स, सो इन दिस लेक्चर वी स्टडी अबाउट सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड यस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का मतलब आप पहले समझो, जो स्फीयर होता है इसका सरफेस एरिया तो ये होता है, ध्यान देना। एक्चुअली आप स्फीयर देखे होंगे, जैसे स्फीयर का मतलब आप एक लड्डू ले सकते हो, वो भी स्फीयर टाइप का होता है, जैसे थोड़ा सा इसको राउंड अप बना लो, मान लो ये। जस्ट वेट, हमको यहाँ पहले पढ़ना है क्या सरफेस एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। ओके, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, तो पहले तो आप एक इमेजिन करना कि स्फेयर है, इमेजिन कर लो, ठीक है। इसका सरफेस एरिया में बताना है, तो सरफेस एरिया का मतलब ये हुआ फोर, ध्यान देना, एक्चुअली ये है फोर टाइम्स द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर, ठीक है। जैसे इसको सपोज कर हमने अलग अलग इसको ऐसे ऐसे इसको क्लासीफाई कर दिया, ठीक है। तो ये ध्यान देना, एक्चुअली जस्ट वेट जस्ट वेट यस। तो आप देखो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का मतलब होता है, इसका डायरेक्ट आप फॉर्मूला यहाँ से लिख सकते हो, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है क्या, 4πr², ठीक है, 4πr², ठीक है। अब ध्यान देना, अगर सपोज करो अगर हम आपसे, ये किसका ध्यान देना, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है, ठीक है। और आपसे कभी कभी पूछा जाता है ना कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ओके, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का इसका फॉर्मूला देखो, ये आप चार मतलब जितने फॉर्मूले आपको आना चाहिए, ये आता है क्या कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर का मतलब सिंपल से ये सोचो, अगर जो स्फेयर है तो उसका हेमिस्फेयर का मतलब, जैसे आप, जैसे हम आपको इसमें बता रहे हैं हेमिस्फेयर का मतलब क्या हो, यहां देखो आप, जस्ट वेट यस। हाँ ये देखो, जैसे हेमिस्फेयर का मतलब सिंपल सा ये होगा, आप जैसे सपोज करो एक सेब ले लो, सेब ले लिया, ठीक है, उसको एक प्लेन से कट करो, उसको ऐसे इमेजिन करना, ऐसे कट करना कि उसके बिल्कुल हाफ पार्ट से ऐसे, मतलब ब्रैक, ये इस टाइप का कुछ आपका फिगर बनेगा, जस्ट ऐसे देख लेना, इस टाइप का और इस टाइप का, यही तो बनेगा ना। तो ये आपका क्या हुआ, एक हेमिस्फेयर, क्या है, हेमी स्फीयर, क्लियर। तो इसका आपको क्या कर्व सरफेस एरिया निकालना है, कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का मतलब सिंपल सा ये हुआ कि आपके जो पोर्शंस है ना क्या क्या रहेंगे, ये पोर्शन, जस्ट वेट यस, ये पोर्शन यहां से ले सकते हो, ठीक है, ये ओके। तो ये आपका ये सब पोर्शन, ठीक है। तो ये आपका हेमिस्फीयर, एक्चुअली आप क्या सरफेस एरिया आप स्फीयर क्या भी पढ़े हो, 4πr², यही पढ़े हो ना, 4πr², क्लियर। तो अब देखो इसका, इसमें एक्चुअली इसका आधा हो गया ना, जो आपका स्फेयर था उसका हाफ हो गया, हेमिस्फेयर का मतलब आप कभी कभी इसको सेमी स्फेयर भी बोलते हैं या हेमिस्फेयर, इसका हाफ हो गया, इसमें डिवाइड किससे करेंगे, 2 से, ये फाइनली कितना आ जाएगा, 2πr², यानी जब भी आपसे कहा जाए कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है, तो आप हमेशा ध्यान क्या रखोगे, 2πr², क्लियर। अब देखो अगर इसी में आपसे पूछा जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ध्यान देना, जैसे कि आपके बुक में दे रखा होगा, यस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, वो देखो क्या होगा, जस्ट वेट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का मतलब होता है, इसमें एक्चुअली एक सर्कुलर पार्ट होगा, उसको भी आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। जैसे इसमें ये देख लो, हम आपसे ये बता दे रहे हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, जैसे कि आप यहां लिख सकते हो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या, तो हेमी स्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, ध्यान देना, एक्चुअली ये आप अभी देखो, अभी आपने कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड आउट किया कितना होता है, 2πr², और 2πr² हमने बस कहा ना, ये जो यहां जो रेड से हमने इसको ऐसे डार्क किया, ये आप प्लस उसमें एडिशनल हो जाएगा, ये एक्चुअली ये क्या सर्कुलर पार्ट है ना, तो इसका एरिया क्या होगा, सर्कुलर पार्ट तो इसका आपका, सर इसका तो एरिया होगा πr², यस, नो डाउट अबाउट इट। तो टोटल का मतलब होता है दिस और प्लस दिस, क्लियर, टोटल का मतलब ये ना पूरा, यानी पूरा का मतलब कंप्लीट, दिस इसका कर्व सरफेस एरिया प्लस इसका एरिया, ये जो सर्कुलर पार्ट है, तो क्या 2πr² प्लस क्या हो जाएगा, इसका एरिया कितना होता है, πr², तो फाइनल यहां से कितना होगा, 3πr². तो आप लर्न ये फार्मूला करोगे, टोटल सर्फेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, 3πr², और कर्व सर्फेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, तो आपका होता है 2πr² और
क्या सरफेस एरिया ऑफ क्या होता है हेमिस्फेयर, सॉरी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr² तो ये आपके तीन चार जो भी फार्मूले हैं इन फार्मूले का यूज करके आप एक्सरसाइज के सारे प्रॉब्लम्स आई थिंक यू कैन इजिली सॉल्व इट। ओके सो वी जस्ट मूव टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। यस सपोज करो ये आपसे कहा गया फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ओके सपोज दिस योर क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। ओके वेरी इजी सॉल्यूशंस। एक्चुअली सॉल्यूशन हम क्या करेंगे जैसे लिखेंगे since we know that what know that बताओ since we know that सरफेस एरिया ऐसे एग्जाम में लिखोगे आप सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू व्हाट 4πr² इज इट क्लियर एंड हियर रेडियस इज गिवेन एंड वी हैव टू फाइंड लिखोगे वी हैव टू फाइंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जस्ट इट यस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू व्हाट। ओके यही है ना आप एक्चुअली जानते हो क्या सरफेस एरिया स्फीयर कितना होता है 4πr² और ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है और देखो इसमें रेडियस आल्सो लिखोगे आल्सो गिवन दैट व्हाट गिवन दैट आल्सो गिवन दैट r इक्वल टू कितना 7 सेंटीमीटर मतलब रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे ये वैल्यू उठा करके ना इसमें पुट कर दोगे तो यहां से क्या हो जाएगा यहां से आपका सरफेस एरिया क्या आएगा 4π के प्लेस में कितना रखोगे 22/7। ओके इन प्लेस ऑफ रेडियस रेडियस कितना है 7 तो 7 का स्क्वायर मीन 7 × 7 आफ्टर मल्टीप्लाइंग जस्ट वे 7 कैंसिल आउट इट मींस 22 × 4 = आई थिंक 88 × 7 आफ्टर मल्टीप्लाइंग व्हाट शुड बी गेट यस 6 इसका मल्टीप्लाई कर लो ना ऐसे। ओके आई थिंक दिस देख लेना मल्टीप्लाई 5 कैरी होगा और यस आई थिंक 61 होगा ना ये आप क्या हो गया 61। ठीक है तो ये आपको कितना आ जाएगा 616 और सरफेस एरिया है तो ये आपका मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी यूनिट गिवन होगा उसमें आपका ये फाइनल आंसर या सेंटीमीटर सेंटीमीटर होगा। क्लियर ना तो सिंपल्स ऐसे आपको क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और आई थिंक दिस क्वेश्चंस वाज वेरी इजी इन योर एग्जाम यस यू कैन इजीली सॉल्व इट। ओके तो यस देखो ये जैसे हमने आपको क्वेश्चन कराया यस देखो ये आंसर आया यहाँ से आप देख सकते हो ये आंसर जो हमने किया था। ठीक अब देखो इसमें थोड़ा सा एक और अच्छा क्वेश्चन है ये जैसे कहा जा रहा है फाइंड पहले कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस यस अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये देखो क्या कह रहा है हमको कह रहा है कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर तो एक्चुअली जब हेमिस्फीयर का जिसका रेडियस कितना दे रखा है 21 जैसे इसमें देखो आपको क्या कह रहा है फाइंड कर्व सरफेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस कितना दे रखा है रेडियस करा 21 सेंटीमीटर। सो सिंपल फर्स्ट है फॉर कर्व सरफेस एरिया अगर कर्व सरफेस एरिया ठीक है कर्व सरफेस एरिया हम फाइंड आउट करें और किसका ऑफ हेमिस्फीयर तो ये क्या आएगा हेमिस्फीयर ये आपका जस्ट अभी हमने फॉर्मूला बताया कितना आता है ये कहोगे सर ये तो आता है 2πr² यस 2πr² ओके अब देखो 2π के प्लेस पर रख सकते 22/7 इन प्लेस ऑफ r यू कैन राइट यस रेडियस गिवन है तो कितना है 21 का स्क्वायर मीन्स 21 इंटू 21
क्लियर। अब इसके बाद क्या करोगे आप, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका थ्री टाइम्स में कैंसिल आउट होगा, तो दिस इंप्लाई 2 × 22 × 3 × 21 आफ्टर मल्टीप्लाइंग व्हाट शुड जो भी आएगा ये फाइनल आपका क्या होगा, तो ये आपका आंसर होगा। क्लियर। तो ये आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हुआ। ठीक है, दूसरा आपसे ये पूछा गया है, क्या पूछा गया है, कर्व्ड, जस्ट लुक एट हियर, आपसे ये पूछा गया कर्व्ड कर्व सरफेस, सॉरी कर्व सरफेस, टोटल सरफेस ना, ऐसे ध्यान देना, आपसे ये इसमें पूछा गया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या, हेमिस्फीयर, यही ना, हेमिस्फीयर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आपका क्या होगा, आप एक्चुअली जानते हो कि अभी जस्ट हमने आपको फॉर्मूला बताया था 3 πr² सो इन प्लेस ऑफ 3 × π, पाई प्लेस आप क्या रख सकते हैं 22/7, इन प्लेस ऑफ आर व्हाट यू कैन राइट हियर रेडियस गिवन दैट व्हाट 21, सो इन प्लेस ऑफ रेडियस यू कैन इजीली राइट 21, 21 × 22, सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग थ्री टाइम्स ये हो जाएगा, तो यहां से आप क्या करोगे 3 × 22 × 3 × 21, और जो भी ये आपका फाइनल आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने पे, ये आपका क्या होगा, फाइनल ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम जानते हैं कि आप ऐसे बस सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्या हेमिस्फीयर दे देगा, उसका कहेगा कर्व सरफेस एरिया बताओ, कभी कभी क्या कहेगा आपसे, कहेगा उसका टोटल सरफेस एरिया बताओ, इसमें कुछ रिलेशनशिप दे सकता है, तो आई थिंक यू कैन यस इजिली फाइंड इट सोल्यूशन। और उसके बाद आई थिंक यस वॉल्यूम हमने आपको बता ही दिया था क्यूब और क्यूबॉइड का, ठीक है, इससे आप क्वेश्चन यस कर सकते हो। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी हमने आपको बता रखा था, कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर, हमने बताया था ना, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर। अब इसमें आप सपोज रेडियस गिवन होगा, हाइट गिवन होगा, कुछ पाई की वैल्यू रखो, तो वहां से आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर, ये सब हमने आपको करा रखा था। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, कोन का भी हमने आपको यस, कोन का वॉल्यूम अगर आपसे पूछा जाए तो वॉल्यूम ऑफ कोन, तो ये हमने आपको बताया था 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ से आप फार्मूला रखोगे, जो भी आपको कुछ मेंशन, जैसे आप ये देख लो, ये कह रहा है दी हाइट एंड स्लेंट हाइट ऑफ कोन आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन, तो जैसे इसमें ये है, आपको इसमें देखो क्या क्या गिवन है, जस्ट लुक एट हियर, ये इसमें आपको ये गिवन है, कह रहा है दी हाइट एंड स्लेंट हाइट, मतलब आपको हाइट गिवन है, मीन्स आपको एच गिवन है कितना 21, एंड स्लेंट हाइट कितना दे रखा है, स्लेंट हाइट आपको दे रखा है 28 cm, यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन। ओके, तो सिंस यू नो दैट वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू व्हाट 1/3 πr² h, एक्चुअली आप ये लिखोगे, सिंस यू नो दैट ये गिवन है, लिखोगे क्या, सिंस वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू व्हाट 1/3 πr²h। क्लियर, ये देखो 1/3, ओके पाई, इन प्लेस ऑफ पाई यू कैन राइट 22/7, इन प्लेस ऑफ आर यू कैन राइट यस, इन प्लेस ऑफ, जस्ट लुक एट हियर, देखो यहां से आपको रेडियस नहीं पता है, क्लियर ना, जब और रेडियस जब नहीं पता है तो रेडियस के लिए अभी जस्ट हमने आपको फार्मूला बताया था, अगर जो हमने रिलेशनशिप बताया था स्लेंट हाइट हाइट एंड रेडियस क्या बताया था, एल स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, देखो एल की वैल्यू दे रखा है कितना 28, तो इसका स्क्वायर इक्वल टू एच के प्लेस पर रख सकते हैं, एच के प्लेस पे आप इजिली रख सकते हो कितना 21 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग यू जस्ट गेट आर स्क्वायर इक्वल टू 28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, दिस गिव्स यू आर स्क्वायर इक्वल टू, इसका जो भी मल्टीप्लाई होगा इसका मल्टीप्लाई जो भी आएगा ये आएगा फाइनली, इसका यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, जब आर की वैल्यू आ जाएगी तो आर के प्लेस पर आप रख देना ये उसका स्क्वायर और इंटू यच, यच आपको ऑलरेडी यहाँ आपने फाइंड आउट मतलब गिवेन ही है, तो यहाँ से जो भी मल्टीप्लीकेशन आएगा ये आपका क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन, अब इसका यूनिट आपका आएगा, तो अगर सेंटीमीटर कोन है तो इसका क्यूब होता है ना, इसका यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, अब दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर, तो ये आपके ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आई थिंक हमने मैक्सिमम आपको फार्मूला भी हमने बताया और कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, उसी कॉन्सेप्ट चलोगा, आई थिंक यू कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स फ्रॉम योर एक्सरसाइज।
ओके तो ऐसे हैं आपके क्वेश्चंस। उसके बाद से हमने स्फीयर भी बता दिया, वॉल्यूम ऑफ यस स्फीयर हमने बताया क्या, जैसे हमने बताया ना सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होगा तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 πr³। ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है। अगर आपसे हम ये कह दे कि क्या वॉल्यूम ऑफ स्फीयर था, क्लियर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये था। अगर हम आपसे ये कह देते वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, क्या कहते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो सिंपल सा इसमें कुछ नहीं है। हेमिस्फीयर का मतलब फिर वही पार्ट, जैसे हमने सरफेस एरिया में आपको बता रखा था हेमिस्फीयर के लिए क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी आप यूज करो। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा 4/3, देखो πr³ है, ये डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो जब डिवाइडेड बाई 2 का मतलब 4/3 πr³ × 1/2, आफ्टर सिंप्लीफाइंग व्हाट यू गेट, ये देखो 2 से 2 टाइम में कैंसिल होगा, यानी 2/3 πr³। तो ये आपका होता है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। और ये अब इसी से अलॉट ऑफ कोर्स, जैसे इसमें ये सिंपल से ये होगा ना, कहेगा कि आप हमें वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर बताओ जिसका रेडियस सपोज करो 7 सेंटीमीटर है, और रेडियस 7 सेंटीमीटर, तो सिंपल है वैल्यू रखो एंड देन यू कैन फाइंड इट्स सॉल्यूशन, क्लियर। तो ऐसे ही आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। यस ठीक है, जैसे देखो अभी हमने आपको डिराइव किया वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, यही बताया था ना वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, अभी देखो क्या हमने लाया था 2/3 πr³, यही बताया था। अब देखो जैसे ये सेम क्वेश्चन है, जैसे हमने कह रहा था आपसे कि आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस अब वेरी इजी क्वेश्चंस पूछे जा सके, जैसे ये देखो कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस दिस, यस यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर व्हिच रेडियस इज गिवन बाय 11.2 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ यस स्फीयर हमने तो आपको हेमिस्फीयर भी बता दिया, बट ये कह रहा है फाइंड व्हाट, फाइंड कह रहा है फाइंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर व्हिच रेडियस इज कितना है 11.2 सेंटीमीटर। ओके अब वेरी इजी, जब इसका सोल्यूशन लिखोगे क्या लिखोगे, देखो यहां से सिंस वी नो डेट, जस्ट टू लिख इट हियर, यस चलो अलग ही लिख दो, ठीक है, सिंस वी नो डेट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू होता है 4/3 πr³, सो इन प्लेस ऑफ 4/3 π 22/7 और इन प्लेस ऑफ r के प्लेस आप क्या रख सकते हो, तो r के प्लेस रख सकते हो आप 11.2 इसका क्यूब, क्लियर ना, देखो रेडियस है ना ये, तो रेडियस कितना है 8 है 11.2, तो यहां सॉल्व करोगे तो होगा 4/3 22/7 into 11.2 आफ्टर सिंप्लीफाइंग, ये जो भी आएगा ना वो आपका क्या आएगा सेंटीमीटर में, अगर ये रेट होगा तो सेंटीमीटर क्यूब आप यहां मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आपका वॉल्यूम हो गया किसका, स्फीयर का, क्लियर। तो ऐसे ऐसे आप क्वेश्चंस एग्जाम में कर सकते हो, ठीक है। सो आई थिंक हमने मैक्सिमम आपके जो भी टॉपिक थे इससे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो टॉपिक था इससे हमने मैक्सिमम चीजें कवर अप कर दिया, और ये आपका यहाँ से चैप्टर आई थिंक यस कंप्लीटेड राइट नाउ, ठीक है। हमने मैक्सिमम क्वेश्चन जो भी थियोरेटिकल थे, जो भी फार्मूले यूज थे, उस फार्मूले का कैसे आप यूज करोगे, कैसे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो, हमने आपको मैक्सिमम चीजें यस डिस्कस हमने कर दिया, तो आई थिंक यू कैन सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर, ओके यस। फिर हम लोग यस नेक्स्ट लेक्चर में वी जस्ट मीट विद अ न्यू चैप्टर, ओके। तो आपको जैसे भी जो फॉर्मूले यूज करने थे, जैसे जैसे हमने आपको सब करा दिया, यू कैन इजिली सॉल्व, ठीक है, ओके फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, ओके।
तो हो जाना चाहिए, लगता नहीं आ रहा मुझे। फोन करके लिखा है सेव होगा, वो बात होता है कि हो जाना चाहिए, उसमें वाला कहते कि सेव हो जाए। सेव बना है ना, जीरो ना हो। हाँ ये ऑन कर दिया तो बंद रहेगा। वो कहाँ है? कंप्यूटर पढ़ा पढ़ा रहे हैं। बंद करें क्या? ये